हाय किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द गुरु मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉस्किटो नेट्स के बारे में। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हम बच्चों के लिए सारी चीज़ें लेते हैं, कंफर्टेबल कपड़े हम लेते हैं, कंफर्टेबल हम रूमाल्स देखते हैं, नैपकिंस देखते हैं, हम डायपर्स भी देखते हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं कंफर्टेबली, उन्हें कोई चीज़ का ईचिंग ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। जब हम ये सारी चीज़ें देखते ही है, बट हम ये भी देखते हैं कि उन्हें मच्छर ने नहीं काटना चाहिए, तो उसके लिए हम मॉस्किटो नेट्स लेते हैं, मॉस्किटो बैग्स लेते हैं। एक अम्ब्रेला पैटर्न आता है, आप वो भी देख सकते, वो भी ले सकते हो। उसमें बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। फर्स्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो बेबी स्लीपिंग बैग्स का मॉस्किटो नेट आता है। वो बैग में कंफर्टेबल बच्चे रहते हैं, बट एक लिमिट तक, बिकॉज उनकी हाइट बढ़नी स्टार्ट होती है, वो टर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो नहीं सो सकते। मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी हो गया, बिकॉज एक लिमिट के बाद आप वो चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। मैंने मेरे बच्चों के लिए यूज़ किया था, बट मेरे का हाइट अच्छा होने के कारण वो ज़्यादा टाइम वो नेट में नहीं रहे। एंड सेकेंड चीज़, मेरा एक बेबी तो बेबी स्लीपिंग बैग्स में सो जाता था, बट सेकेंड नहीं सोता था, उसको नेट लगाते बराबर वो उठ जाता था। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते थे, मैंने बहुत सोचा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बेड नेट ही ले लेती हूँ, जिसमें सभी कवर अप हो जाएगा, मेरे दोनों बेबी कहीं पर भी मूव कर सकते, प्रॉपरली मूव कर सकते। तो मैंने बेड नेट के बारे में बहुत सर्च किया। तो फर्स्ट तो एक बेसिक जो पहले से हमारे माइंड में रहता है कि आपको चार साइड में आपको बांधना है, तो बांधने के लिए प्रॉब्लम ये था कि हमारे हाइट के हिसाब से अगर हम बांधने लगे उस चीज़ को, तो झुक के जाओ, कंफर्टेबल लेवल नहीं रहता था। बेडरूम में सभी जगह पर आपको वो रूफ ही दिखेगा, तो मुझे वो नहीं लेना था। सेकेंड चीज़, मैंने एक देखा था कि ऊपर जैसे फ़ैन रहता है, तो फ़ैन के बीच में एक अम्ब्रेला रहता है और वो पूरे बेड को कवर अप करता है, तो वो चीज़ में आपका ऊपर अगर फ़ैन है तो आप वो लगाएंगे कहाँ पे, वो हैंग कहाँ पे करेंगे, तो वो भी मुझे चीज़ नहीं लेनी थी। तो फिर नेक्स्ट मैंने देखा कि एक आपका बेड का पूरा नेट आता है जो फोल्डेबल रहता है, आप कहीं पर भी उसको फोल्ड करके रख सकते हो ईजी वे से, इसमें आपको बहुत सारे पर्सन की ज़रूरत नहीं, आप इंडिविजुअली फोल्ड कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट मॉस्किटो नेट मुझे वो लगा जो फोल्ड है, ईजी टू यूज़ है, किसी को कहीं पे भी हैंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंट पैटर्न में ओपन होता है। उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ अभी आने लगी है, बट मुझे सबसे बेस्ट वही लगा जिसमें आप टेंट वाला रहता है प्रॉपरली, वो बेड के साइज़ में आपका जो आपका गद्दी रहता है उसी में वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, उसमें आपको किसी का भी कोई भी एक्सेस चीज़ें नहीं लगती है, ना खिला ना कुछ ना कुछ, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। आपको नहीं लगा आप फोल्डेबल, उसको रिमूव कर सकते हो विद इन अ 2 मिनट्स में, वो फोल्ड होके आप प्रॉपरली रख सकते हो रिंग पैटर्न में, एक साइड में आप कहीं पे भी उसको रख सकते हो, फोल्ड होता है। तो ये सबसे बेस्ट मुझे नेट लगा। आपको बाय करना है कोई मॉस्किटो नेट बेबीज़ के लिए, तो आप बेबी के हिसाब से नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करने के हिसाब से देखिए, जो आपको आगे भी लगेगा, बिकॉज बच्चे बड़े होते तो उनको मच्छर तो काटने ही वाले हैं, तो उससे अच्छा आप बच्चों के लिए हो या आपके लिए हो, पेरेंट्स के लिए पूरा बेड ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। एंड इसमें आपको मॉस्किटो दिखते भी है, मच्छर कहाँ पे बैठे तो आप बैट से मार भी सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एक सेफर साइड हो जाता है। एंड इसको आपको 10 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, और आप वैसे के वैसे बेड पे भी रख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड ये ख़राब नहीं होता है। मैं विद इन अ 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसमें डबल चेन दी है, चेन भी बहुत अच्छी है, क्लियर चेन है, एंड बोथ साइड चेंज दिया है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साइड में आके आपको निकलना है, टेंट है बट बोथ साइड आपको 2 साइड ओपनिंग ऑप्शन दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑप्शन दिया है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हो, जा सकते हो। एंड बहुत इजी टू वेयर है, इजी टू यूज़ है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट वे है, क्योंकि अगर कभी लाइट चली गई है रात को और आपको डोर ओपन करके सुलाना है बच्चों को, तो आप सो सकते हो, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हो नेट के साथ, तो उसमें आपको चांसेस नहीं के बराबर है कि आपको मच्छर काटे। तो ये मुझे बेस्ट लगा है नेट के लिए। अगर आपको बाय करना है बच्चों के लिए भी, तो भी आप बेड नेट का ही यूज़ कीजिए, जिससे आपको बहुत इजी होगा। स्टार्टिंग में 1 या 2 डेज आपको थोड़ा अलग लगता है, हम टेंट में सोते हैं करके, बट आगे जाके आपको इतनी आदत हो जाती है कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, बिकॉज रात को उठ के आपको मच्छर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये चीज़ में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।